के पूर्व मंत्री का हुआ स्वागत। समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री रहे राजपाल कश्यप अपनी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल, राष्ट्रीय कोटाध्यक्ष दीप गौड के साथ आज मंगलवार को राया में सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष स्वर्गीय फूल सिंह निषाद के गुप्ता कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने फूल सिंह निषाद को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर शोक व्यक्त करते हुए बताया। फूल सिंह निषाद समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही थे, लंबे समय तक समाजवादी पार्टी को अपना सहयोग दिया। उनके निधन से उन्हें बेहद दुख है। वहीं आगामी चुनावों को लेकर हुई बातचीत में उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जनता अब समझ चुकी है बीजेपी सरकार के झूठे जुमले से जनता उन्हें आगामी 2022 के चुनाव में करारी हार के साथ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। अमित मथुरा, समाचार 24। ये हम सामाजिक न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, पिछड़ा और दलित सम्मेलन कर रहे हैं और पूर्वांचल गया था, पूर्वांचल के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमा, बुंदेलखंड में और आगरा मंडल में घूम रहा हूँ। भारी उत्साह है जनता में, इस यात्रा और सम्मेलनों में भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं और बीजेपी से भारी संख्या में लोग परेशान होकर बीजेपी छोड़ रहे हैं और इससे सीधा संदेश जाता है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी आने जा रहे हैं और जनता को परेशान किया है, महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान परेशान, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, पिछड़े परेशान, दलित परेशान, अल्पसंख्यक परेशान, सभी वर्गों को परेशान करने का काम किया। 5 साल में 5 मंजिल बिल्डिंग भी कहीं दिखाई नहीं पड़ी, 1 किलोमीटर सड़क भी कहीं दिखाई नहीं पड़ी बीजेपी शासन काल ने बनाई हो। जितनी सड़कों का जाल, पुलों का जाल, जितना विकास दिखाई पड़ रहा वो समाजवादी कार्यकाल का दिखाई पड़ रहा। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया उनके विकास पे इस बार जनता भरोसा कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री को बीजेपी सरकार को पूर्ण बहुमत में केंद्र में भी बनाया, उत्तर प्रदेश में भी बनाया जनता ने, लेकिन जनता को धोखा देने का काम बीजेपी ने किया है। और बीजेपी आरक्षण घोटाले कर रही है, आरक्षण खत्म कर रही है, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू नहीं कर रही है, सरकारी संपत्तियां बेच रही है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मांग की है जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने यह भी कह दिया कि जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे, एफिडेविट दे दिया। इससे बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो गया। अब बीजेपी का पर्दाफाश करने के लिए हम लोग यात्रा निकाले हैं, हमारे साथी रामकरण निर्मल जी जो लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोग निकले हैं और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटा नहीं देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को बना नहीं देंगे, तब तक ये यात्राएं रुकने वाली नहीं। क्या 2022 के चुनाव में क्या सपा सरकार बनेगी? 100% बनेगी सपा की सरकार, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप आज सब कहीं जनता परेशान है और सभी जातियों और सभी वर्गों को धोखा देने का काम किया है, इसलिए आप कितनी सीटें लाने की उम्मीद है? पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, बीजेपी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी, देखना कौन सी सीट पे जमानत बचाती है।